उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की आज 27 मार्च आखिरी तारीख है। आज बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अजय भट्ट के नामांकन के समय खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा और विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद थे। आदरणीय अजय भट्ट के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और पांचों नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी पांचों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। नामांकन करने से पहले अजय भट्ट ने घर पर पूजा पाठ की। पूजा अर्चना करने के बाद अजय भट्ट नामांकन के लिए रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। अजय भट्ट के अलावा नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसके अलावा आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के नामांकन में खुद कांग्रेस पीसीसी चीफ करण मेहरा मौजूद रहे। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली, न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव की ओर पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोजगार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ की बहनों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिला की हत्या हो जाएगी, बेटी के साथ नाबालिग हुए दुष्कर्म होगा और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रदेश में तो अंकिता भंडारी का सबको मालूम है। इसलिए इस राज्य के अंदर 2 साल ऊपर हो चुके हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, केंद्र में खाली पड़े हैं, तो ये बदलाव होगा। और हमारी पार्टी ने कहा भी है, हम बदलाव के लिए तत्पर हैं। हम न्याय, युवा न्याय योजना, महिला न्याय योजना, समाज में सबकी भागीदारी, श्रमिक न्याय और युवाओं के भविष्य के प्रति कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने उत्तराखंड की पांचों सीटों पर जीत का दावा किया है। देखिए, पब्लिक में काफ़ी रिस्पॉन्स है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराजी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज हैं। चाहे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रद हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज हैं, वहीं बेरोजगारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।